गाजियाबाद इंदिरापुरम के कनावनी इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियां जुटी आग पर काबू पाने में, झुग्गियों में बने हैं प्लास्टिक और कबाड़ के गोदाम, जिस कारण आग तेजी से फैल रही है, हालत काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अगली घटना थाना करखोदा से है, जहां कल हुई एक घटना में जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। दर्जन भर युवक डंडों व ईंटों से एक मकान पर हमला कर देते हैं। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। अगली घटना थाना करखोदा की चौकी फरमाना से है, जहां पर बीती रात हुई घटना में एक मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना को दर्ज किया गया है। अगली घटना में जिले की वाहन चोरी निरोधक स्टाफ सोनीपत की पुलिस ने चोरी की बाइक सहित सातीर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कमल व रोहित सोनीपत के रहने वाले हैं। अगली घटना जिले के थाना औद्योगिक क्षेत्र बड़ी की है। पुलिस ने नकदी व मोबाइल फोन लूटने की घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सुमित उर्फ कालू व साहिल निवासी जांबा जिला पानीपत के रहने वाले हैं। अगली खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां लगभग 5 किलोमीटर के एलिवेटेड ट्रैक का सफलतापूर्वक निरीक्षण संपन्न कर इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसके बनने से 4 लेवल क्रॉसिंग समाप्त हुई है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति रोकने में सहायता मिलेगी। अगली घटना गुड़गांव की है, जहां द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहे कर्मचारी बाल बाल बचे। इस वीडियो में जैसे कि देख पा रहे हैं कि गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चालू है, जहां पर एक घटना घटित होती है जिसमें काम कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।